ये देखो भाई कितने बड़े सिंहासन में बैठे हुए हैं गणेश महाराज जी। इनका प्राइस में बता देता हूँ, इनका क्या प्राइस रहता है इनका बताओ। चलो आप थोड़े से बड़े देखिए, तो कितने फुट के हो जाते हैं वाले गणेश जी? ये साढ़े पाँच फुट भाई, ये 5.5 फुट के हैं। इनका क्या प्राइस रहता है भाई? तो यहाँ पे देखिए भाई, ऊपर ब्रह्मा विष्णु और महेश जी भी है, और ये वाले गणेश जी देखो आप, और ये वाले इनका प्राइस क्या रहता है भैया? आइए दोस्तों यहाँ पे कर लेते हैं कुछ छोटी गणेश जी की मूर्ति की बात। तो ये इनका क्या प्राइस होता है इनका बताइए। तो दोस्तों एक ऑप्शन और आपको बहुत प्यारा मिल जाता है यहाँ पे गणेश जी के साथ रखने के लिए। ये देखो जी, यहाँ पे मूषक भी मिल जाएंगे आपको। इनका रेट मैं जान लेता हूँ मैडम, इनका रेट क्या हो जाता है बताइए थोड़ा सा। हेलो गाइज, नमस्कार, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। भाई आज का ब्लॉग लेके आ गया हूँ भाई, जैसा मेरे पीछे देख रहे हो आप भाई, चारों तरफ आपको पप्पा ही पप्पा देखेंगे, गणेश जी पप्पा देख रहे हो। ये देखो भाई, सब बताऊंगा लोकेशन वगैरह कहाँ मिलेंगे भाई, छोटे बड़े सब मिलेंगे। तो वीडियो में बने रहना, वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके भाई बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। तो बस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना भाई, पूरा देख लेना, कहीं ऐसा ना हो बीच में इन्फॉर्मेशन आपसे मिस हो जाए। सो आइए दोस्तों, पहले तो ये वाले गणेश जी आप देख लीजिए भाई, विराजमान है सिंहासन पे। इनका रेट में जान लेता हूं भैया जी, इनका प्राइस क्या हो जाता है? ये भैया 8,000 रुपये का पड़ेगा। 8,000 भाई, ये वाला पड़ जाएगा आपको 8,000 रुपये का। तो जैसे कोई ऊपर नीचे रेट करना चाहे तो हो जाता है? हाँ हो जाता है। चलो जी, रेट भी ऊपर नीचे हो जाते हैं भाई, लोकेशन वगैरह सब बताऊंगा। तो एक ये वाले गणेश जी भी देखिए जी आप, और इसका क्या प्राइस रहता है भैया? सेम साइज है, सेम रेट है। अच्छा, सेम साइज है, सेम रेट है, ठीक है जी। चलो आप थोड़े से बड़े देखते हैं, तो कितने फुट के हो जाते हैं ये वाले गणेश जी? ये साढ़े पाँच फुट भाई, ये 5.5 फुट के हैं। और इनका क्या प्राइस रहता है? इनका 15,000 रुपये। तो अभी भैया कलर वगैरह नहीं करें? कलर होगा। अच्छा कलर होगा, तो कलर अभी क्यों नहीं करेगा? अभी टाइम ज़्यादा है ना। अच्छा अभी टाइम ज़्यादा है, अच्छा कलर फेड ना हो जाए ना। ठीक है ठीक है, तो अब चलो ये भी भैया, ये तो थोड़ा बड़ा लग रहा है ना। तो इनका क्या प्राइस रहता है इन वाले गणेश जी का? थोड़ा अच्छा, थोड़ा सा बस खाली ईटों का फर्क है ना। ठीक है, तो क्या प्राइस रहता है इनका? सेम 15 भाई, सेम 15,000 इनका भी प्राइस है भाई। ये वाला देखो, इन ये भी भाई 15,000 रुपये का आपको मिल जाएंगे। ये देखो जी, ठीक है, अब दिखाते हैं आपको और भी बड़े भाई गणेश जी। ये देखो भाई कितने बड़े सिंहासन में बैठे हुए हैं गणेश महाराज जी। इनका प्राइस मैं जान लेता हूँ भैया, इनका क्या प्राइस रहता है इनका बताओ? ये 30,000 रुपये। 30,000 रुपये भाई, 30,000 रुपये कितने फुट के हो जाते हैं? ये 9 फीट से ऊपर है भाई, 9 फीट से ऊपर है भाई। तो यहाँ पे देखिए भाई, ऊपर ब्रह्मा विष्णु और महेश जी भी हैं, और ये वाले गणेश जी देखो आप, और ये वाले इनका प्राइस क्या रहते हैं भैया? अच्छा इस लाइन में जो है भाई 30,000 रुपये वाले हैं, ठीक है ना। और एक ये वाला भी देखो भाई, ऊपर केदारनाथ वाली फीलिंग आ रही है देखने में, देखो गणेश जी की, और इसमें गणेश जी खड़े हुए हैं देखो। और इनका क्या प्राइस होता है भैया? ये 18,000। 18,000 भाई, ये वाले गणेश जी आप देखो, ये पूरे शिव भगवान भोले बाबा लुक में है देखो। ये देखो भाई, ये भी अट्ठारह हज़ार रुपये इनका प्राइस है। तो चलो मैं और भी कुछ दिखाता हूँ आपको दोस्तों, थोड़ा सा आगे आया हूँ। यहाँ पे गणेश जी के 3 मुख है भाई, और कपाल पे देखो भाई पैर रखा हुआ है। ये वाली गणेश जी की मूर्ति देखो कितनी सुंदर लग रही है, कितनी प्यारी लग रही है। इसका रेट में जान लो, तो इसका क्या प्राइस होता है? 35,000 भाई, इनका प्राइस पड़ जाएगा भाई 35,000 रुपये। तो भाई यहाँ पे देखो, पगड़ी वाले गणेश जी भी आपको मिल जाएंगे। मैं इनका रेट बता देता हूँ, इनका प्राइस क्या होता है भैया? 10,000 रुपये भाई, इनका प्राइस रहेगा 10,000 रुपये। आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारी मूर्तियाँ आपको गणेश जी की मिलेंगी। ये देखो भाई, आइए दोस्तों यहाँ पे कर लेते हैं कुछ छोटी गणेश जी की मूर्ति की बात। तो ये इनका क्या प्राइस होता है इनका बताएं? ये 2100 रुपये के, और इनसे ये थोड़े से बड़े रखे हुए ये वाले, ये हाँ जी 5,000 रुपये। तो इनमें मिट्टी का भी कोई फर्क होता है? मिट्टी की है सर ये। अच्छा अच्छा, कच्ची मिट्टी भाई? अच्छा प्योर कच्ची, कोई मिलावट नहीं है भाई, प्योर कच्ची मिट्टी के मिल जाएंगे, ठीक है। तो और ये वाले देखिए आप भैया, इनका क्या प्राइस होते हैं इनका बताइए? 1300 रुपये। और यहाँ ये प्योर कच्ची मिट्टी की। अच्छा ये देखो आप, ये बने हुए जी प्योर कच्ची मिट्टी के। ये देखो आप, ये बैंड वाले बिल्कुल मिट्टी में, ऐसे बिना बैंड का। भैया आपका बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन के यहाँ पे आपको गणेश महाराज जी मिल जाएंगे।
ये कौन से बता रहे हैं आप? अस्तर वाले, अस्तर वाले भाई, अस्तर कपड़े वाले गणेश जी मिल जाएंगे। तो भैया भैया एक बार दिखा रहे हैं, ये देखो भाई, ये वेलवेट का कपड़ा है यहाँ पर, ठीक है ना, पूरा स्टोन वर्क है मूर्ति के अंदर। तो ये वाले कितने के पड़े जाते भैया जी? ये ढाई हजार रुपये भाई, 2500 रुपये इनका प्राइस है। तो डिजाइन बहुत सारे यहाँ पे मिलेंगे आप लोगों को, छोटे बड़े गणेश जी सब तरीके के मिलेंगे यहाँ पे, आप देख सकते हो। तो दोस्तों अभी मैं थोड़ा सा आ गया हूँ, तो यहाँ भी कच्ची मिट्टी के बने हुए, देखो गणेश जी अभी पूरी तरह तैयार नहीं है। तो ये देखो कितनी मेहनत से यहाँ बैठ के वर्क करते हैं भाई, पूरा पूरा दिन लग जाता है। तो भाई कोशिश यही करना भाई, इनको इनकी मेहनत का पूरा मिले, तो बार्गेनिंग ज़्यादा ना करें भाई, इनका मोल भाई ज़्यादा दें, ठीक है ना। आप देख सकते हो यहाँ पूरा दिन, पूरी रात लग जाती है। तो अंदर देखो, अंदर कितने तादाद में यहाँ पे गणेश जी बना के यहाँ पे भी रखे हुए हैं। मार्केट तक आना चाहते हो तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए है भाई अशोक पार्क मेन मेट्रो स्टेशन, जो कि आपको यहीं से दिख जाएगा, देखो वो सामने है। आप मेट्रो से उतर गए और वहीं से ही ये मार्केट शुरू हो जाएगी, ठीक है जी, गणपति पप्पा के लिए। ये देखो जी, दोस्तों मैं बस थोड़ा सा आ गया था, मैं दिखा देता हूँ आपको ये कितने फुट के हो जाते हैं। 12 फुट भाई, 12 फुट के गणेश जी भाई, ये देखो। और इनका रेट क्या हो जाता है, प्राइस क्या है? 35,000 भाई, 35,000 के ये वाले गणेश जी आपको मिल जाएंगे। ये देखो आप, यहाँ पे कलरिंग का भी काम चल रहा है। तो अब इनका क्या प्राइस होते हैं? 11,000 रुपये भाई। ये देखो भाई, मैडम है कलर कर रही है, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो कितने सारे कलर करके यहाँ पे रखे हुए हैं, तो उनका रेट भी 11,000 रुपये हो जाता है। अच्छा, ये 4,000 के 3,000। अच्छा, 4,000-3,000 रुपए के ये वाले मिल जाते हैं। तो इनका साइज क्या हो जाते हैं इन वाले का? ये 3 फुट का। अच्छा, 3 फुट के हैं, ठीक है जी। और ये वाले कितने फुट के थे? 5 फुट के भाई, ठीक है। तो ये देखिए भाई, यहाँ पे पहले कलर कर दिया जाता है, कलर करने के बाद फुल पैकिंग यहाँ पे रख दी जाती है, ताकि कलर पे कोई इफेक्ट ना पड़े, ठीक है। आइए दोस्तों यहाँ पे चल लेते हैं और यहाँ पे भी रेट पता कर लेते हैं। भैया जी, जो शेषनाग पे विराजमान है, ये वाले कितने के पड़ जाते हैं गणेश जी? ये एक ही रेट है, 4,500। अच्छा, एक ही रेट है, 4,500 रुपये। कितने फुट के जाते हैं भैया जी? ये होगी साढ़े तीन फुट के। साढ़े तीन फुट के हैं। तो लगभग ये भी इनका यही प्राइस है भाई, सेम है। तो पीछे जो बड़े रखे हुए, इनका क्या प्राइस होता है भाई? 12,000 रुपये के है। ये देखो कितने सुंदर, कितने प्यारे लग रहे। तो अभी कलर नहीं हुए, तो कलर भाई ऑर्डर के बाद कलर हो जाते हैं ना। ऑर्डर के बाद कलर भी हो जाते हैं। ये देखो भाई, ये 9 फिट के भी है जी भाई, 9 फिट के हैं। तो गणेश जी को जो पूजा जाता है भाई, बुद्धि के लिए है ना, और भाई अपने शुभ मुहूर्त के लिए पूजा जाता है, ठीक है ना। तो इनका प्राइस क्या होता है भैया जी? 15,000 भाई, एक फाइनल फिक्स रेट है 15,000 रुपये, ठीक है जी। बहुत सारी कलेक्शन यहाँ पे भैया की शॉप पर रखी हुई है। ये देखो भाई, लोकेशन मैंने आपको बता दी है, आप चाहो तो बस से भी आ सकते हो। दोस्तों अगर बस से आना चाहते हो तो नियर बाय आपके यही पड़ेगा अशोक पार्क मेन, यहाँ पे उतर जाओ और सामने ही आपको गणेश जी की मूर्तियाँ दिख जाएंगी। आइए दोस्तों यहाँ से अंदर चल लेते हैं। तो ये देखो भाई आपको क्यूट से कुछ छोटे छोटे से भी गन्नू महाराज जी यहाँ पे मिल जाएंगे। ये देखो भाई, देख सकते हो आप। तो मैं इनका प्राइस भैया से पता कर लेता हूँ, भैया इनका प्राइस क्या होता है, इनके बताएं। ये 300 से लेके 400 तक। अच्छा, 300 से लेके 400 तक में ये मिल जाएंगे आपको, छोटे वाले भी। तो भैया किस नाम से आपको आना चाहते हो, किस नाम से कैसा है? कैलाश नाम है। कैलाश नाम है भाई, कैलाश नाम यहाँ पे आप पता कर सकते हो किसी भी, इनकी ये शॉप है, ठीक है जी। सामने ही पिलर नंबर 58 है और ये वाली शॉप है, ठीक है जी। दोस्तों वहाँ से मार्केट शुरू हो जाती है और करीब 1 किलोमीटर के आसपास ये मार्केट आपको दिख जाएगी गणपति बापा जी की। दोस्तों पिलर नंबर 57-58 के सामने ही यहाँ भी मूर्ति की दुकान है, तो मैं इनसे रेट पता कर लेता हूँ। पहले तो भैया, पहले आप आपका नाम बताएं। भैया मेरे साथ में है, शॉप ओनर है अनमोल, अनमोल भैया का नाम है। तो यहाँ पे मैं इनका रेट पता कर लेता हूँ। तो भैया ये शाम सुबह आपके जो रखे हुए, इनका प्राइस क्या हो जाता है गणेश जी का, ये बताएं। ये भैया 25,000 रुपये। अच्छा, 25,000 रुपये, कितने फुट के हो जाते हैं? 7.5 फुट है और पूरी डेकोरेशन करके देंगे। अच्छा, अच्छी बना के देंगे भाई, पूरी डेकोरेशन करके, पूरी अच्छी बना करके, कलर वगैरह पूरा जो भी पूरा सिस्टम होता है भाई, पूरा
करके देंगे भैया, इसमें लाना ले जाना तो नहीं होता ना, वो तो उनका पार्टी का ही होता है। हाँ पार्टी का, तो वैसे अगर कोई आपके यूट्यूब के चैनल से आएगा तो उसको हम डिस्काउंट भी लगा देंगे। अच्छा, तो भैया कह रहे हैं भाई डिस्काउंट मिल जाएगा अगर कोई मेरे ब्लॉग के थ्रू आएगा तो, ठीक है ना। तो और यहाँ भी देखो, यहाँ पे कुछ छोटे वाले रखे हुए, इनका प्राइस मैं जान लेता हूँ, इनका क्या प्राइस होता है भैया? 15,000 रुपये। 15,000 रुपये भाई इनका भी 15,000 रुपये प्राइस है। यहाँ पे देखो नंदी के ऊपर बैठे हुए मिलेंगे आपको भाई, जब अभी इतना सुंदर लग रहे हैं तो जब कलर वगैरह हो जाएंगे तो क्या ही लगेंगे भाई। पप्पा जी देख रहे हो, यहाँ देखो भाई पीछे देखो, सिंहासन के पीछे देखो भाई, पूरे शिवलिंग बना रखे हैं गणेश जी के पीछे देखो। और यहाँ पे देखिए गधा हाथ में है, तो कितने प्यारे लग रहे हैं ये वाले भी, और ये हाथ में मोदक लिए बैठे हैं इस वाली मूर्ति में। ये देखो भाई इनका रेट मैं जान लेता हूँ, इनका क्या प्राइस होता है भैया? 25,000 रुपये पूरी डेकोरेट। अच्छा पूरी डेकोरेट करके 25,000 रुपये भाई, पूरी डेकोरेट करके 25,000 रुपये पड़ जाएगा। तो यहाँ अब इधर कुछ बड़ी रखी हुई है भैया, इनका क्या प्राइस होता है? इनका ये भी 25,000 रुपये, ये वो सेम ही है। अच्छा ये और वो सेम ही है भाई, ये देखो भाई, ये भी देखो भाई कितने प्यारे लग रहे हैं ये वाले देखो भाई, पूरे साइडों में शेषनाग जी मिलेंगे देखो, और ऐसा लग रहा है भाई पूरी शिव भवन वाली पूरी जटाई दिख रही है देखो ऊपर गणेश जी के। ये देखो पूरा लुक ही शिव भवन वाला ही है देखो भाई, देख रहे हो। तो यहाँ पे मिल जाएंगे आपको पगड़ी वाले गणेश जी, और इनका क्या प्राइस होता है भैया? ये भी 25,000 रुपये पच्चीस मराठा वाले। अच्छा अच्छा मराठा वाले गणपति बाबा ही है, इनका भी रेट 25,000 रुपये है। ये देखो भाई कितने बड़े बड़े हैं। तो यहाँ भी छोटे वाले मिल जाएंगे, मैं इनका रेट जान लेता हूँ भैया, जो छोटे वाले इनका क्या प्राइस होता है? ये भी 5,000 रुपये। अच्छा 5,000 रुपये, ये कितने फुट के हो जाते हैं भैया जी? ये भी लगभग 4 फुट के ही है। अच्छा लगभग 4 फुट के है, तो अंदर भी कुछ देखो मैं दिखाया था आपको, यहाँ पे देखो किस तरीके से कितनी मेहनत करके देखो ये पूरा वर्क करते हैं। तो भाई मोल भाव ज़्यादा ना करे, जो इनका मेहनत का होता है तो भाई वो देखे ही जाए, ठीक है। एक मुझे वाले बहुत प्यारे लग रहे हैं, वो जो ब्लैक में रखे हुए उनका क्या प्राइस होता है? इनका भैया 7,000 रुपये आ जाएगा। अच्छा 7,000 रुपये इन वाले का लग जाएगा, तो कितने सुंदर सुंदर मैं दिखाया था आपको यहीं से ही। ये देखो भाई, और यहाँ पे आपको छोटे बड़े सारे मिल जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। जो छोटे वाले होते हैं जो उनका क्या प्राइस होता है उनका बताएं आप? भैया वैसे तो ये छोटे वाले हमारे पास, हाँ हाँ वो रखे हुए हैं, ये 500 से स्टार्ट। अच्छा 500 से शुरू है, वो वही वो देख रहे हो ना आप, वो छोटे वाले हैं, वो 500 रुपये से शुरू है, ठीक है ना। और ये वाले दोस्तों, ये वाले देखो भाई कितने सुंदर लग रहे हैं भाई, इनका रेट क्या हो जाता है? इनका 8,000 रुपये। 8,000 रुपये भाई, ये वाले गणेश जी देखो भाई कितने सुंदर सुंदर लुक में है देखो। ये देखो भाई मैं पास से दिखा देता हूँ आपको एक बारी, तो भाई और यहाँ देखो, यहाँ पे मिल जाएंगे आपको येलो में, तो भाई पूरा स्टोन वर्क यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये देखो भाई इनका क्या रेट हो जाता है, इनका बताएं आप? 5,100 रुपये भाई। ये वाले मिल जाएंगे आपको 5,100 रुपये, और ये वाले 8,000 रुपये भाई। ये वाले मिल जाएंगे 8,000 रुपये। ये देखो भाई कितने सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे यहाँ पे लगे हुए। ये देखो भाई यहाँ पे कान देखिए, कान कितने बड़े यहाँ पे दिए हुए हैं गणेश जी के। आओ दोस्तों इन वाले गणेश जी के लिए बातें कर लेते हैं। तो ये बहुत सुंदर लग रहे हैं ब्लैक वाले में, तो ये तो मेरे ख्याल से इसी साल नया डिजाइन लग रहा है मेरे को, ये वाला है ना भाई, नया डिजाइन है 2023 के। तो इनका मैं प्राइस जानता हूँ, इनका क्या प्राइस होता है इनका बताया? इनका 7,000 रुपये। कितने? 7,000 रुपये भाई, 7,000 रुपये इनका प्राइस पड़ेगा भाई, 7,000 रुपये इनका, 8,000 रुपये। और ये सिद्धि विनायक में आ जाता है भाई, सिद्धि विनायक वाले भी दिखा देता हूँ आपको, ये सिद्धि विनायक में आ जाते हैं। और इनका क्या प्राइस होता है भैया जी? 8,000 रुपये भाई, सिद्धि विनायक वाले भी 8,000 रुपये। ये देखो आप, मैं दिखा देता हूँ, देखो यहाँ पे, ये देखो कैसे कटिंग वगैरह हो रही है यहाँ पे, गणेश जी को सजाया जा रहा है। यहाँ देखो सामने, ये देखो तैयार करके पूरा टेबल पे रखा हुआ है, दिलावर सिंह मूर्ति वाला, ठीक है जी। फोन नंबर आप देख सकते हो, ठीक है, कांटेक्ट करना हो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करिए, आप यहाँ से परचेस कर सकते हो। तो देख लो दोस्तों खरीदारी चालू हो चुकी है गणेश जी के, देखो पैक भी हो रहे हैं और जाने के लिए तैयार भी है। तो आप लोग भी जल्दी करिए, इस मार्केट में आइए। तो अभी तो सारे नए नए लुक और छोटे बड़े सारे डिजाइन के आपको मिल जाएंगे इस मार्केट में भाई। ये देखो दोस्तों, मेरे को तो कैमरा भी ऊपर करना पड़ गया, ये देखो ये इतने बड़े गणेश जी यहाँ पे लगे हुए हैं, ये देखो देख रहे हो भाई। इनका मैं ना साइज जान लेता हूँ भैया, साइज क्या बता रहे आप इनका? 12x7 फुट है, और रेट है इनका भाई 81,000 रुपये, ठीक है जी। ये बहुत बड़े हैं, अभी फिलहाल पैकिंग में है, ठीक है ना। तो यहाँ बहुत सारी आपको मूर्तियाँ कलेक्शन वगैरह यहाँ पे मिल जाएगी। तो दोस्तों एक ऑप्शन और आपको बहुत प्यारा मिल जाता है यहाँ पे गणेश जी के साथ रखने के लिए, ये देखो जी यहाँ पे मूषक भी मिल जाएंगे आपको। इनका रेट मैं जान लेता हूँ मैडम, इनका रेट क्या हो जाता है बताइए थोड़ा सा? इसका
1100 रुपए। अगर 1100 रुपए एक भाई, 1100 रुपए का एक पड़ेगा जी। ठीक है जी, आप दाएं और बाएं मूषक जी को भी रख सकते हैं, और भी बहुत सारी यहाँ पे मूर्तियों की कलेक्शन यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो इनका रेट बता दीजिए, इनका क्या प्राइस पड़ जाएगा यहाँ पर? 8000 रुपए। तो कितने फुट का जाते हैं? 5 फीट। आइए दोस्तों अंदर में दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे देखो पूरी सजावट का यहाँ पे वर्क का काम चल रहा है। मैं इनका प्राइस भी जान लेता हूँ। तो मैडम इनका प्राइस क्या होता है? 2500 रुपए। और यहाँ भी लिखे हुए छोटे वाले, ये इनका क्या प्राइस होता है? 1500 रुपए। भाई वो मिल जाएगा 2500 रुपए, और यहाँ पे मिल जाएगा भाई 1500 रुपए। ठीक है, मैं शॉप दिखा देता हूँ आपको, तो आप आ सकते हो, कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ये देखो भाई, तो भाई शॉप ओनर है, तो मुझे अंदर लेके आया है। तो भैया नाम बताओ पहले, तो आपका नाम क्या बेटा? आयुष। भाई आयुष नाम है भैया का, तो मैं इनसे भी रेट जान लेता हूँ। तो ये छोटे छोटे रखे हुए, इनका क्या प्राइस होता है बेटा? ये वाले मिट्टी के हैं, वो इको फ्रेंडली मिट्टी के हैं। तो प्राइस क्या होते हैं? 7000 रुपए। भाई 7000 रुपए। और ये वाले जो रखे हुए बेटा, ये वाला? ये वाले 9000 के हैं। अच्छा, ये 7000। अच्छा, ये वाले 9000 के मिल जाएंगे आपको, ये मिल जाएंगे 7000 रुपए। और भी देख सकते हो आप, बहुत सारे यहाँ पे डिफरेंट यहाँ पे गणेश जी रखे हुए हैं। ठीक है जी, वही पिल्लर नंबर 57-58 के सामने ही है। दोस्तों थोड़ा सा मैं आगे आया था, यहाँ पे एक बहुत सुंदर जी यहाँ पे गणेश जी रखे हुए हैं, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और मैं भैया जी साथ में है, तो रेट जान लेता हूँ। भैया जी रेट क्या हो जाते हैं इन वाले के? 16-17 हज़ार रुपये। भाई 16-17 हज़ार रुपये इनका प्राइस लग जाएगा। तो जैसे कि ऊपर नीचे करना चाहे तो रेट हो जाता है अपने पास? ठीक है जी भाई, रेट करना चाहो तो रेट हो जाते हैं। यहाँ पे कुछ छोटे भी रखे हुए, तो इनका क्या प्राइस हो जाते हैं? 3-3.5 हज़ार रुपये। अच्छा, 3-3.5 हज़ार रुपये। भाई ये वाले मिल जाएंगे आपको 3-3.5 हज़ार रुपये। और ये कुछ थोड़ा सा बड़ा रखे हुए गणेश जी, इनका क्या प्राइस होते हैं? 8-9 हज़ार रुपये। भाई ये वाले हो जाते हैं 8-9 हज़ार रुपये। ठीक है जी भाई, पिलर नंबर कौन सा हो जाता है? 61। भाई 61 नंबर पिलर के सामने ये वाली शॉप मिल जाएगी आपको। ठीक है जी, सामने भैया मिल जाएंगे, ये शॉप है। चलो और आगे चल लेते हैं, थोड़ा सा दिखाता हूँ, चलता हूँ आपको। ये देखो डिफरेंट यहाँ पे गणेश जी मिल जाएंगे आपको। ये देखो भाई पूरी लाइन में आपको सिर्फ बप्पा ही बप्पा मिलेंगे यहाँ पर। आइए दोस्तों यहाँ पे चलते हैं, तो यहाँ से शुरू करते हैं। आजो तो भैया सबसे पहले इनका रेट बताए, कितने फुट के पहले तो ये बताओ आप? ये भाई साहब 6.5 फीट के। अच्छा, 6.5 फीट के हैं। और रेट क्या हो जाते हैं इनके? रेट भाई साहब ऐसा है कि कम से कम 11000 रुपये मूर्ति के इसके। ठीक है जी भाई, 11000 रुपये इनका रेट हो जाएगा। और भैया इनका क्या प्राइस हो जाता है इन वाले का? ये 15000 रुपये। भाई यहाँ पे रखे हुए, ये देखो जी कितने विशाल यहाँ पे रखे हुए, इनका मैं रेट जान लेता हूँ भैया से एक बार। भैया इनका रेट बताना, इनका क्या प्राइस पड़ेगा? इनका रेट आपको पड़ जाएगा सर कम से कम 20000 रुपये। भाई 20000, पूरा कंप्लीट तैयार करके दोगे ना भाई? पूरा स्टोन वर्क करके देंगे, भैया जी बता रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे छोटे भी लगे हुए, इनका भी मैं रेट जान लेता हूँ। तो भैया इनका प्राइस बताए आप, इनका क्या हो जाता है? 4-5 हज़ार। अच्छा, 4-5 हज़ार रुपये। ये भी पूरा कंप्लीट तैयार करके, भाई पूरा कंप्लीट तैयार करके देंगे भैया। भैया पिलर नंबर यही है 61। पिलर नंबर 61-62 के बीच। भाई पिलर नंबर 61-62 के बीच में ये वाली शॉप मिल जाएंगी, ये वाले भैया मिल जाएंगे आपको। ठीक है ना, दिखा दिए। तो चलिए और आगे दिखाया था आपको। ये देखो जी बहुत डिफरेंट यहाँ पे मिल जाएंगे भाई। ये वाले गणेश जी देखिए, ये वाले भी भोले बाबा लुक में है पूरे। ठीक है ना, मैं रेट जान लेता हूँ। पीके वाले भाई, पीके वाले गणेश जी वो ओनर पीछे खड़े हुए, तो मैं दिखा देता हूँ आपको। ये वाले भैया है, तो मैं रेट भी जान लेता हूँ। भैया रेट क्या हो जाते हैं इनके? ये भाई 16.5 हज़ार रुपये की स्टोन डेकोरेशन। अच्छा, स्टोन डेकोरेशन भाई पूरा वर्क करके देंगे 16000 रुपये में ना? 16.5 भाई, 16.5 हज़ार रुपये में। ठीक है ना, तो अब ये वाले भी देख लेते हैं भाई, ये भी बहुत बड़े लगे हुए हैं। तो इनका क्या रेट हो जाता है भैया जी? ये पगड़ी वाले शिवजी वाले गणेश। अच्छा, पगड़ी वाले स्टोन लगाकर 31000 रुपये। 31000 रुपये भाई, ये वाले मिल जाएंगे आपको 31000 रुपये के। पूरा स्टोन वगैरह पूरा पेंट वगैरह कंप्लीट करके देंगे। तो दोस्तों मैंने लगभग आपको सारी दुकानें दिखा दी है, अब ये लास्ट दुकान है। यहाँ की भी मैं जो गणेश जी की कलेक्शन है वो आपको दिखा देता हूँ। ये देखो भाई दोस्तों, ये वाली मूर्ति का मैं रेट बता देता हूँ आपको। इस वाली मूर्ति का रेट क्या हो जाता है? 25000 रुपये पूरे कंप्लीट करके देंगे ना, पूरी कंप्लीट करके ये देंगे। तो पहले ये बताओ भैया जी, पिलर नंबर सामने कौन सा है? दुकान सामने है ये मेट्रो पिलर नंबर 62 और 63 के बीच। अच्छा, 62-63 के बीच में है ना, ठीक है। और यहाँ भी देखो भाई, पूरे केदारनाथ वाली लुक में यहाँ पे मिल जाएंगे आपको गणेश जी। इनका रेट क्या हो जाता है भैया जी? ये भी सेम रेट है 25000। सेम रेट भाई 25000 रुपये। तो ये देखो भाई, यहाँ भी देखो, ये 30000 रुपये इनका रेट है। ब्रह्मा विष्णु महेश ऊपर दिखे। दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज बता दिया करो। बाकी वीडियो का ज्वाइन करता हूँ, और जल्दी मिलूंगा नई जगह, नया वीडियो, नया ब्लॉग लेके। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।